हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन AR फाउंडेशन। बच्चों, आज हम लोग इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में जानेंगे कि हाउ टू डिफरेंशिएट देम विद द हेल्प ऑफ सम टेस्ट। ओके बच्चों, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड को डिफरेंशिएट करने के लिए पहला टेस्ट होता है लिटमस टेस्ट। इथेनॉल क्योंकि न्यूट्रल नेचर का होता है, इसलिए इसमें कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नो कलर चेंज ऑब्जर्व। ओके, जबकि इथेनोइक एसिड एसिडिक नेचर का होता है, इस वजह से ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, सेकंड टेस्ट है बच्चों रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। ओके, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। इसमें बच्चों हमने बताया कि इथेनॉल न्यूट्रल नेचर का होता है, इसलिए सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई एफर्वेसेंस ऑब्जर्व नहीं होगी। तो हम इसके नीचे लिखेंगे इथेनॉल में नो एफर्वेसेंस ऑब्जर्व्ड। ओके, जबकि इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके एफर्वेसेंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे गिव्स एफर्वेसेंस विथ इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, यहाँ पर बच्चों आप लोग चाहें तो रिएक्शन भी लिख सकते हैं। हमारा इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ओके, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो सॉल्ट जो बनेगा उसका फॉर्मूला होगा CH3COONa। ओके, प्लस वाटर बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम अपसाइड एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों टेस्ट हुए इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके?